नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कितना हुआ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, जानेंगे द्वितीय तल के निर्माण कार्य की जानकारी, मंदिर निर्माण पर लगने वाले ध्वज स्तंभ की जानकारी भी, मंदिर के सिंहासन आदि के निर्माण की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का फल स्वरूप श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। यूपी के अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर के तैयार है। अगला वर्ष आने में कुछ ही दिन शेष हैं, और वह दिन दूर नहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 का दिन देशवासियों के लिए अत्यंत ही विशेष रहेगा। रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के भूतल का निर्माण इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कारीगरों की संख्या में बढ़ोतरी किया है। अब तक 2500 कारीगर मंदिर निर्माण में लगे हुए थे। तीर्थ क्षेत्र के इस निर्णय के पश्चात अब कारीगरों की संख्या 1000 और बढ़ गई है, अर्थात अब 3500 कारीगर दिन रात 3 पालियों में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने में जुटे हुए हैं। भूतल के साथ ही प्रथम तल का भी कार्य साथ ही साथ चल रहा है। भवन निर्माण समिति दोनों तलों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। दर्शनार्थियों को 22 जनवरी के पश्चात केवल भूतल के गर्भगृह में स्थापित होने वाले रामलला तक जाने की ही अनुमति रहेगी। इसके लिए समिति के निर्देश पर कार्यदायी संस्था L&T युद्ध स्तर पर भूतल के कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। बता दें कि 71 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित राम मंदिर के विभिन्न कार्यों में देश के 5 राज्यों के कलाकार जुटे हुए हैं। भूतल के 166 स्तंभों पर उकेरी जाने वाली धार्मिक मूर्तियों आकृतियों को उड़ीसा के कलाकार गढ़ रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े कई कई टन के पत्थरों के संयोजन में राजस्थान के विशेषज्ञ कारीगर दिन रात कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य अलग अलग विशेषज्ञताओं के साथ यूपी के सहारनपुर, महाराष्ट्र व गुजरात के श्रमिक भी इसमें दिन रात एक किए हुए हैं। यह भी बता दें कि 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे तीनों विग्रह। जी हां, रामलला के 3 विग्रह बनाए जा रहे हैं, 1 उड़ीसा से व 2 कर्नाटक के पत्थरों से बनाए जा रहे हैं। कारसेवापुरम में अत्यंत कड़ी सुरक्षा के मध्य इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि यह लगभग बनकर के तैयार हो गए हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ कार्य है जो 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वैज्ञानिकों के कड़े परीक्षण के पश्चात चयनित किए गए शिलाओं से यह मूर्तियां तैयार कराई जा रही हैं। पानी व कार्बन का अवशोषण न करने वाले पत्थरों से पिछले 2 महीनों से निर्माण कार्य इनका चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के वैज्ञानिकों के परीक्षण के पश्चात इन 3 शिलाओं से यह बनकर के तैयार हुए हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे सप्ताह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। वहीं प्राण स्थापना दिवस के अवसर पर लगभग 6000 अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसी मध्य राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण अहमदाबाद में चल रहा है। जी हां, राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण अहमदाबाद में चल रहा है। ध्वज स्तंभों के निर्माण का कार्य श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी को सौंपा गया है। बता दें कि 1 मुख्य ध्वज स्तंभ सहित 7 ध्वज स्तंभ का वजन लगभग 5500 किलोग्राम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि प्रदेश को अगले 2 महीनों तक पूरी तरह से राममय करने की तैयारी आरंभ हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सांस्कृतिक विभाग की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, 1111 शंखों के नाद का
बनेगा विश्व रिकॉर्ड। जी हां, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई मूर्ति एवं शिल्प कलाओं की कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रभु श्री राम के आदर्श स्वरूपों को दर्शाने वाले 108 चित्रों का चित्रांकन उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा ख्याति प्राप्त चित्रकारों के माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि पर 1111 शंखों के वादन के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। साथ ही साथ ड्रोन शो और 2500 महिलाओं द्वारा तलवार रास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का परिसर लगभग 70 एकड़ से अधिक में विस्तारित है, जिसमें 8 एकड़ में केवल राम मंदिर बन रहा है। शेष परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के अतिरिक्त विभिन्न अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। राम मंदिर के दूसरे तल पर लगभग 12 फीट ऊंचा स्तंभ को लगा दिया गया है। पहले चरण का कार्य अब लगभग पूरा हो गया है, परंतु इसके पश्चात भी मंदिर का निर्माण तीव्र गति के साथ हो रहा है। जनवरी 2024 में भगवान राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, उसके पश्चात मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहेगा। मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर में अद्भुत नक्काशी का प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं, राम जन्मभूमि निर्माणाधीन परिसर में 33 केवीए के सब स्टेशन को कनेक्शन भी मिल गया है। इसके अतिरिक्त राम मंदिर की सभी 32 सीढ़ियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। सीढ़ियों की रेलिंग भी बन गई है। इसके अतिरिक्त गर्भगृह में जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उसका फाउंडेशन भी सजाया जा रहा है। बिजली व्यवस्था के लिए वहां पंजाब से आई विशेष ईंटें लगाई जा रही हैं, जिनमें से लाइटिंग के वायर लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि कुबेर टीले के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तीव्र गति से संचालित है। मंदिर में कई झरोखे बनाए गए हैं, जिन पर अद्भुत नक्काशी की गई है। राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे तीर्थयात्री केंद्र के भूतल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। प्रथम तल का कार्य मंदिर के उद्घाटन के पश्चात आरंभ होगा। परंतु आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह में आधार आसन अर्थात पेडिस्टल का निर्माण भी आरंभ हो गया है। भूतल में कमल दल स्वरूप निर्माणाधीन इस आसन पर रामलला विराजमान होंगे। लगभग 4 फुट के इस आधार आसन के ऊपर 51 इंच के रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। 23 जनवरी से 5 वर्ष के बाल स्वरूप निर्माणाधीन विग्रह का दर्शन राम भक्त लगभग 35 फीट की दूरी से कर पाएंगे। फर्श से रामलला के माथे तक की कुल ऊंचाई लगभग 8 फीट की रहेगी। दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षण के पश्चात यह दूरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तय की है। यह भी बता दें कि राम मंदिर का गर्भगृह भी पूरी तरह से बनकर के तैयार है। 6 विशेष स्तंभों वाले गर्भगृह को अलग अलग कारीगरों ने अपनी विशेषज्ञता से सुसज्जित किया है। भूतल के अन्य भागों में बंशी पहाड़पुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, परंतु इससे अलग गर्भगृह पूरी तरह से मकराना के सफेद मार्बल से तैयार किया गया है। खूबसूरत बारीक नक्काशी से युक्त गर्भगृह अष्टकोणीय है। गर्भगृह का आकार पत्थर व रोशनी को तय करने से पहले भी विशेषज्ञों की सलाह को आधार बनाया गया, ताकि रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों को दिव्य अनुभूति हो सके। गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पुजारी के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। बताया जाता है कि इसके लिए मंदिर की खास नियमावली तैयार की गई है। इस नियम के अंतर्गत आने वाले कई वर्षों तक यह व्यवस्था रहेगी। पुजारियों की भर्ती के लिए विशेष साक्षात्कार भी जारी है। 23 जनवरी से इन नियमों का सख्ती से पालन आरंभ हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्ट स्ट्रीट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं।
मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।